वेलकम टू आमिर्स टू सेंट्स। काउंटडाउन 18 कराची टू खंजराब वॉक के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आज का संडे का दिन है, इस फन डे कल मैंने किया था 21 माइल, तो पहुँचा मेरे सूर्य थे। सीधी बात है, आई हैड रफ टाइम क्योंकि शूज़ भी मैं नए करिए तो ब्लिस्टर बन गए थे काफ़ी, लेकिन आज का दिन बड़ा अच्छा है। मैं आई एम फीलिंग रियली गुड। नाश्ता बनना है, देसी अंडे हैं चार, उनमें स्पिनच है, साथ में कोई केले शेले और स्ट्रॉबेरीज, और साथ में ना खालिस मिल्क मिल गया यहाँ पे, तो ये अभी मैं इंजॉय करूँगा। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे जाना है मस्जिद में, बच्चों को पिक करना है। आज संडे स्कूल है उनका, तो उनको पिक करूँगा, फिर बच्चों के साथ कोई पार्क जाऊँगा, तो वो भी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। लेकिन वॉक मुझे करनी है। इसके अलावा जब मैं वापस लेके आऊँगा ना बच्चों को, तो आई एम गोना टेक यू एज आउटसाइड द हाउस। मेरे घर के पीछे ना बड़ा एक छोटे से दो तीन रिवर बड़े बड़े ज़बरदस्त, और पहाड़ियाँ थोड़ी सी, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगा। जो दो चार माइल वहाँ पर वॉक करेंगे आज, तो आज का टोटल वॉक जो नहीं है इस गोना बी लाइक 10 माइल, तो लेकिन इस गोना बी फन डे, स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली एंड ऑल दैट। सो आई विल सी यू गाइस इन फ्यू। तो आज नाश्ता वगैरह करके बच्चे भी आ गए हैं घर पे, तो वैसे मोस्टली मैं कभी कभी उनको भी साथ ले जाता हूँ, तो आज मैंने उनको यहीं भी छोड़ दिया। मैंने कहा चलो वापस आ गए ना, उनके साथ बाइसिकलिंग करूँगा या कोई इधर कम्युनिटी में थोड़ी वॉकशॉप कर लूँगा, तो खुद जाता हूँ। ज़रा माउंट ये आगे पीछे मेरे ना बैकग्राउंड में जो नज़र आ रहे हैं दरख्त हैं, ये समझ लो कि एक फ़न पार्ट ही है। जाने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं ना पहाड़ों पे और इधर उधर, क्योंकि ये पीछे राइट नेक्स्ट टू माय कम्युनिटी जो घर ना, वो काफ़ी अच्छे वो हाइकिंग ट्रेल बनी हुई है, और यहाँ से दो छोटे छोटे दरिया भी हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या है। कम्युनिटी से जो बाहर आए हैं, तो ये इस तरफ ना पूरा मतलब मैं 5 या 6 मील का तो होगा ये सारा वुडन एरिया, और इस तरफ ये सारी ज़बरदस्त ना है, सारा बहुत दूर तक जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे, और नीचे जाके तो देखते हैं, थोड़ी चढ़ाई है आगे, सारे ये वाले जैसे मेंढक वगैरह उनकी आवाज़ें देख रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पे। और क्या होता है, ये देख रहे हैं ना ट्रैक्स, तो ये लोग क्या करते हैं कि काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पे अपनी फोर व्हील्स लेके आते हैं, और ऊपर ये थोड़ा सा ड्राइव शेयर करते हैं यहाँ पे फन। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं साथ में यहाँ पे, ये हैं सारे डियर के फीट, तो यहाँ से भी जल्दी जल्दी कुछ गुजरे हैं। तो अक्सर मैं मतलब अगर दिन में वॉक कर रहा होता हूँ या कुछ भी, तो ये हो रहा होता है कि मैं ना आपको बहुत डियर नज़र आते हैं, तो ये शाम में स्पेशली काफ़ी, क्योंकि वो लोग इधर उधर जा रहे होते हैं। सांप बहुत हैं यहाँ पे। एक दफ़ा मैं अपने बड़े बेटे के साथ आया था, हम लोग यहाँ पे हाइकिंग कर रहे थे, यहाँ कह लो जो भी, तो एक दिन में हम लोगों ने तकरीबन 3 सांप देखे, और वो भी बड़े बड़े, और राइट ऑन ट्रेल। तो आपको अपनी आँखें खोल के ना चलना पड़ता है। तो एक दफ़ा क्या हुआ था कि यहाँ पे एक बंदा फोर व्हील लेके आया, और वो यहाँ पे मतलब उल्ट गया था उसका, और उसकी ना बाजू टूट गई, तो हेलीकॉप्टर हैड टू कम एंड टुक द गाय टू द हॉस्पिटल, क्योंकि वैसे जब फायर ब्रिगेड और सारी वो चीज़ें नहीं आ सकती थी यहाँ तक, क्योंकि वो पुल नहीं था। अब ये एक छोटी सी क्रीक है, बड़ी ही मज़े की क्रीक बनी हुई है, तो आई लाइक दैट कि आराम से पानी शानी यहाँ पर फ्लो कर रहा है। और ये पुल जो है इन्होंने मेरे ख्याल ऐसे ही ये मेटल के कोई ना वो बहुत बड़ी बड़ी शीट्स हैं जो फेंक दी हैं किसी वक्त में, तो चल रहे वैसे ही स्पीकर से। और ये वाला पानी यहाँ से गुजर रहा है जबरदस्त।
आगे ना पानी में जाने की वजह से मैं, ये सारा पानी पानी है तो गंदा होने की वजह मैंने सोचा कि मैं ना अभी जाता हूँ वापस। तो वापस मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे बच्चे भी वेट कर रहे होंगे तो उनको लूँगा और बाहर ज़रा निकलेंगे हम लोग, तो कम्युनिटी में बच्चे साइकिल चलाएंगे, मैं वॉक कर लूँगा। तो ये और भी आगे तक मतलब ट्रेल तो जाती है, लेकिन आज बारिश की वजह से सारा ये ना सिलसिला सही नहीं बन पा रहा, तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं इसमें ज़्यादा टाइम यहाँ पे अपने सारे शूज़ और कपड़े और हर चीज़ गंदा करूँ फिर वापस जाऊँ। तो अच्छा है कि वापस जाता हूँ, बच्चों के साथ थोड़ा वॉक करता हूँ, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि मुझे 2 महीने के लिए नहीं होना, तो जब आप 2 महीने के लिए नहीं होंगे तो यू किड्स आर गोना मिस यू। तो अच्छा है कि आप अपनी औलाद के साथ भी थोड़ा टाइम जो है ना स्पेंड करें। दिस एवरी थिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, मतलब गोल्स लाइफ जॉब वर्क ये सब चीज़ें मिलके मतलब फैमिली, तो तभी जाके लाइफ एक बनती है। तो हमें सारे चीज़ को ना हर चीज़ को सही से देखना पड़ता है। तो चलें लेट्स गो बैक टू द कम्युनिटी। तो अभी मेरे साथ हैदर है, हम लोगों ने वॉक पे ज्वाइन किया है। हैदर कितनी वॉक करनी है आज? हाउ मेनी माइल यू वन वॉक? मे बी 2 miles विल यू? Do you like walking with daddy? Yeah. Show me. Yes. Right there. You want to look in the camera? Yeah. Yeah. You are my best buddy. Dad, are you going to go to the end of the neighborhood from there? Yeah. All the way to this freedom house. Yep. You might go out even more. Sure you can. Okay, let's go. Who is this guy? Heather has given me this bell. और आज हमारे 10 miles हो गए हैं और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि घर जाएंगे, खाना खाएंगे। Yes. तो खाना खाने के बाद Oh my God. It's been only 17 seconds. 18, 19, okay, let's go. चलो तो हैदर और मैं अभी हम लोग 10 miles तो कर लिए, आज बड़ा ज़बरदस्त रहा दिन तो, और शाम हुई है, बच्चों के साथ भी थोड़ा सा ये लोग खेल रहे थे तो बड़ा फ़न आया। इसके बाद अभी खाना खाने खाएंगे और खाना खाने के बाद इनको आज ले जाना मुझे एक ना वो पार्क है या ऐसे ये बच्चों के खेलने की जगह होती हैं, तो वहाँ ले जाऊँगा 2 घंटे के लिए, ताकि ये स्कूल इनका कल है तो ये लोग दे भी नैस कन के हमें ना ले कर चले। और यहाँ पे कौन कौन है? हैदर बैठा हुआ है और हैदर के साथ बैठा हुआ है, ये हैदर है और दूसरा है रज़ा है, और ये आज इन्होंने है लॉट ऑफ फन। तो घर पे आने आया हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त सैलड बना हुआ है पाकिस्तानी स्टाइल, और साथ में बनी हुई चटनी और साथ में बना हुई है बीफ बिरयानी, बोनलेस बिरयानी। तो अभी ये लोग जो हैं अब इनके साथ खाना खाएँगे, खाने खाना खा के फिर हम लोग जाएँगे एक पार्क। फ्रेंकीज Frankie's is somewhere where you play laser tag and bumper also, cars. Yeah. And there's like, is there bowling there? Okay. So let's probably go kart. Yeah, go kart. Okay. No bumper cars also, I think. चलो जबरदस्त। आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं। 10 miles हुए, जबरदस्त। अच्छा टाइम गुजरा है। और कल फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।